और इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से, जहां दो दिन से बारिश का दौर जारी। जी हां, आपको बता दें, बारिश से ईसागढ़ तहसील के भरोली गांव के हालात बिगड़े। दर्जन भर से अधिक घरों में घुसा पानी, स्कूल, मंदिर, कंट्रोल रूम, दुकान डूबे, तालाब भी हुआ लबालब। पिछले साल भी बारिश से हुई थी बर्बादी। ग्रामीणों ने नाराज होकर किया चक्का जाम। तहसीलदार के आश्वासन के बाद खोला गया चक्का जाम। नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। पिछले साल बारिश से नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। रुसल्ला बुजुर्ग गांव में खेतों में भरा पानी, फसलों को काफी नुकसान हुआ। शहर के वार्ड नंबर 5 और 6 में घरों में भरा पानी। मौके पर पहुंचे नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया, पार्षद धर्मेंद्र रघुवंशी और आशुतोष देवलिया। नगरपालिका अध्यक्ष ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। अनेक पुल पुलियाओं के ऊपर से निकल रहा पानी, प्रशासन ने की ओवरफ्लो में से वाहन व लोगों को निकालने की अपील। दिन भर बारिश होने की आशंका, लगातार हो रही तेज बारिश के चलते स्कूलों में किया एक दिन का अवकाश घोषित। और इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से, जहां दो दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से हो रहे नुकसान की वजह से ग्रामीण जन है परेशान।